आज की हमारी वीडियो जो आज का हमारा लेसन है उसमें हम आपको हुक पंच के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम वही रिपीट करेंगे जो सारी चीज़ें हमने पहले बताई थी आपको, जो हमारी बिगनिंग क्लास में स्टार्ट में हमने बताया था कि सबसे पहले क्लास स्टार्ट में वार्म अप करना है। देखिए हमारे बॉक्सर आपको बताएंगे वार्म अप कैसे करते हैं, वार्म अप करना है जंप वगैरह करके, जंपिंग जैक करके, दूसरी चीज़ें करके, सही है, बॉडी को वार्म करना है इस तरह से, सही है। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है, डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेचिंग हो गई, आपको अप एंड डाउन है, अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेचिंग हो गई। अच्छा स्ट्रेचिंग भी डिफरेंट टाइप्स की आप, इसके बाद आपको अपने स्टांस लेना है, स्टांस आपको पहले भी बताया था स्टांस कैसे लेंगे, यस बॉक्सर ये देखें, प्लस साइन बनाना है, उसमें फिर 45 डिग्री रिटर्न करना है, नी को बैंड करना है हाथ सामने, और इस तरह से आपको अपने हाथ को एक जो आप पैर आगे होगा वो हाथ आगे होगा, जो पैर पीछे होगा वो हाथ पीछे होगा, सही है, ये हो गया स्टांस आपका। इसके बाद हमने बताया था जैब पंच कैसे करते हैं, सो जैब पंच करेंगे, देखें किस तरह जैब पंच करते हैं, ये ओके शोल्डर को देखें, अपने हाथ मुंह को शोल्डर के साथ रखना है, चिन को दबाना है नीचे, उसके बाद जैब पंच क्रॉस देखें, क्रॉस पंच कैसे करते हैं देखें, ये बॉडी को टर्न करना है और इसमें आपकी जो पावर निकलती है पैर से, दोबारा से क्रॉस पंच करके दिखाएं, ओके सो जैब क्रॉस 1 2 ये ओके। इसके बाद हमने बताया था आपको स्लिप कैसे करते हैं, कोई आपको जैब क्रॉस मार रहा हो तो आपको स्लिप कैसे करना है बॉडी को, सो ये देखें ओके, ये एक जैब पे एक क्रॉस पे स्लिप पे। अच्छा आपकी आंखें सामने होनी चाहिए, आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग ने पिछली क्लास को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इससे पहले वाली वीडियो आप देखें। अब हम आते हैं आज के लेसन की तरफ, आज का हमारा लेसन है हुक पंच। हुक पंच जब आप जैब क्रॉस करते हैं तो यहीं से हुक पंच आता है आपका, ओके हाँ, आप जब हुक पे ये देखें हुक पंच। इसके अलावा सिंपल स्टांस है हुक पंच में, आप खड़े खड़े में आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सीधा करना है और फिर उसके बाद यहाँ से ही ऊपर एल्बो को ऊपर करना है 90 डिग्री पे लेकर आना और देन हुक पंच ये ओके वापस देखने, ये बॉडी को आपको अपने राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, वापस एक दफा ये आपने पहले 45 डिग्री को एंगल को सीधा करना है और फिर उसके बाद ओके वापस सीधा करें, पैर को सीधा करेंगे और उसके बाद हुक पंच, ये आपको बॉडी टर्न जो है आपको हिट में और आपकी पावर में इजाफा करते हैं। अच्छा ये रॉन्ग है, ये फाउल होता है, ये फाउल है बता दें इनको, ये मारना फाउल है ओके। और सही पंच क्या है, ये सही पंच क्या है, ये वापस ये उसमें हिट स्पीडी करें स्पीडी हाँ ओके। नाउ अब राइट से भी करके दिखाई थी जरा, ये ओके ये राइट आर्म अपनी बॉडी को और राइट साइड भी वही फाउल है, अगर आप सीधा पंच लेके आएंगे यूं मारेंगे या हाथ खोल के मारेंगे सो वो फाउल होगा। इसमें आप आगे बढ़ते हुए भी हुक पंच मार सकते हैं, आगे बढ़ते हुए जैसे ये हाँ देखें स्टेप लेते हुए आगे स्टेप लेते हुए इस तरह से पीछे वापस स्टेप लेते हुए ये देखें ये हुक पंच हो गया ओके। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें हुक पंच की, कैसे प्रैक्टिस करेंगे वापस हमारे जो ट्रेनर हैं मिश्रा आदिल वो आपको बताएंगे किस तरह से करना है। यस नाउ अगेन ये एट द एंड इसकी प्रैक्टिस। अच्छा इसकी 1 2 के साथ भी आराम से प्रैक्टिस हो सकती है, जब आप जैब क्रॉस क्रॉस एंड देन ओके जैब 1 2 लेंथ रन, जब 1 करते हैं 2 पे आपकी बॉडी टर्न हो जाती है, तो उसके बाद देखें 1 2 3 ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है कि आप लोग इसके साथ जैब क्रॉस के साथ हमेशा क्रॉस पंच निकाल सकते हैं, 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ओके यस वेरी गुड। सो अब इसके बाद आपको अपनी क्लास को एंड कैसे करना है आपको बताया, एब्डोमिन एक्सरसाइज करनी है, एब्डोमिन एक्सरसाइज की के बाद कूल डाउन करना है, स्ट्रेच करना है और देन फिर एंड करना है। सो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग जो चीज़ सीखेंगे इसको अपनी फाइट में और अपनी बाउट्स में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, जजाकअल्लाह।